26 मई 2016 ऑपरेशन साबू दादा 6 बजे तरफ खबर आया था। हेलो साबू बॉस। हाँ दादा, अभी 4 मिलिटेंट का हरकत दिखा है मीरा नाला से साबू की तरफ। आपने स्टॉप एस्टेब्लिश करना है मीरा नाला से मीरा रिज की तरफ, और ध्यान रखना कोई आपका हरकत नहीं दिखना चाहिए। तेरह हजार फुट की ऊंचाई पर हवलदार हंगपन दादा उत्तरी कश्मीर सर्वोच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र दिया गया है। उसका हंगपन दादा तो यही में जन्म हुआ था, इसी जगह में। About Dada, I might have met him more than 10 times. He would come for the mass. Before we come, he's already here, kneeling down, praying. अभी तक मैं जिंदा हूँ हंगपन दादा की वजह से। वो पानी में डूबने से हमको बचाया, इसलिए आपका सामने अभी बैठा हूँ। सराती तो था सर। पेड़ में चढ़ के फल तोड़ के ले आके खा के और दोस्तों को खिलाने का, ये सब तो था। फुटबॉल खेलने में, रनिंग करने में, पेड़ चढ़ने में, जो भी काम है वो उसको जीतना है। ऐसा था वो, बात करता था वो ना, दूसरा को समझाना, दूसरा के साथ बात करना, वो बहुत इंटरेस्ट था। सही रास्ता में था वो, फिजिकली फिट भी था। एवरी मॉर्निंग रनिंग किया, पुशअप 20 बार 25 बार। इसी टाइम में फौजी का ये निकला इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट होगा कुंचा में, ओके, तो वो गया। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। फौजी में जाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए मौका मिला, वो निभाना है। He told me that he is very happy with the work and he is always grateful to God for giving this particular job. He came to meet me and told me, Father, please pray for me. I'm going to Jammu and Kashmir. Kashmir ka Kupwara district. ये location LC के बिल्कुल साथ है। Infiltration ज़्यादातर होता है, तो इनमें काम करने का मज़ा अलग ही है। लेकिन वहाँ पेड़ पौधा नहीं होने के कारण से जो है ऑक्सीजन बहुत ही कम मिलता है। हर जगह माहौल जो है खतरा से भरा हुआ है, चौकाना रहना पड़ता है सर। हमारा कंपनी के अंडर 4 पोस्ट आता है। यहाँ में हमारा हेडक्वार्टर कंपनी है, उसके नीचे में हम साबू पोस्ट है, साबू पोस्ट के नीचे में मसरी पोस्ट है। साबू पोस्ट से जब हम मसरी पोस्ट की ओर निकलते हैं तो बीच में एक नाला पड़ता है मीरा नार, जो ऊपर से आता है। उसका फिर आगे आता है एक मरसरी रीस, डायरेक्ट शमशाबारी रीस की तरफ निकलता है। On 26th May 2016, Sipai Jain Baite spotted some suspicious movement on the Shamshabadi Ridge. I'm Farso Pita Sab. I'm both point ka aage me 4 militant aaya hua dekha tha. Subah 6 baje taraf chup chup ke un log nikala tha. Apna OC sab ko report kiya sab. Haan OP bolo. 4 militant? Acha general area Mira mein. Theek hai, un pe nazar rakhna lagatar aur mujhe report dena. और ध्यान रखना कोई फालतू का हरकत नहीं होना चाहिए। 26 मई 2016 ऑपरेशन साबू दादा 6 बजे तरफ खबर आया था। हेलो साबू बॉस। हाँ दादा, अभी 4 मिलिटेंट का हरकत दिखा है मीरा नाला से साबू की तरफ। आपने स्टॉप एस्टेब्लिश करना है मीरा नाला से मीरा रिज की तरफ, और ध्यान रखना कोई आपका हरकत नहीं दिखना चाहिए। आई इमीडिएटली प्लेस स्टॉप्स एंड कॉर्डन्ड द एंटायर एरिया। हमने अपना पोस्ट सबको अलर्ट कर दिया, तैयारी किया। 2 टीम में हमने कॉर्डन लगाए नीचे, एक टीम सुबिदार क्रूंग अनल, एक टीम नाइक नजीबुर। हवलदार हंगपन दादा, who was placed in the Sabu post, immediately moved along with his team to block the most likely route of escape in the Mirana. सबसे पहले आगे जाना है हम दोनों ने, मेरा नाला से मेरा रिज की तरफ। सामने हमको कवर करने के लिए बताया। कंपनी हेडक्वार्टर ने MMG फायरिंग किया,
मिलिटेंट उधर में रुक गया, दो मिलिटेंट नीचे भाग गया। मिलिटेंट जो है डायरेक्ट नाला की तरफ से आया था, फायरिंग करने की कोशिश किया तो वो छुप गया। पीछे जो है हमारा हवलदार साहब दादा आ रहा था। दादा हम लोग से कम 350 मीटर लगभग था सर। ओवर दादा आगे बढ़ा, एक मिलिटेंट को खत्म कर दिया। दादा ने मेरे को बताया है आप मेरे को स्पॉट फायर करना, मैं आगे जाता हूँ। तो हवलदार दादा थोड़ा साइड से फिर लेटते हुए रेंगते हुए अपना पोजीशन लिया, दादा ने खत्म कर दिया। नेटवर्क नहीं है वहाँ में, कभी कभार बातचीत होता है। अभी हम लोग जंगल में है, ऑपरेशन ऑन एयर ऑपरेशन ऐसा बोला था ना, मजाक से बोलता था ना, ना सही है तो मालूम नहीं है, बोलता था ऐसे ही। साजी हम लोग चार्ज में क्या था बचा लो, तो पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं। कभी छुट्टी आएगा एक महीना ना, एक महीना आता था तो वो क्रिसमस समय में, नहीं तो चालो लो को इस समय आता था। सुबह में हम हमेशा 7:30 ऐसे में न्यूज़ देखता है, तो वो देखा है वहाँ में फायरिंग हो रहा है। खबर का हम रुख कर लेंगे जो जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहाँ के कुपवाड़ा में मुठभेड़ की खबर। तो ड्यूटी में चला गया, 7 बज गया। उनको फिर क्लियर किया दोनों मिलिटेंट्स को क्या क्या सामान है, उनको चेक किया। उसके पास तो बाइनोकुलर भी है, मोटोरोला जीपीएस भी है, खाना पीना रेशन डायरी में मैप भी लेके आया है। वो लोग इतने क्लियर आता है सब। उसके बाद हम दो टोली में बट गया, एक ओसी साहब की टोली, एक हवलदार दादा की टोली। हवलदार दादा सबसे पहले लीड किया। अरे लेट हो जाएगा, रात होने के बाद तो मिलिटेंट निकाल जाएगा तो क्या करेगा। दादा भी मोटिवेट करते गए हमारे को, तो हमारा अंदर भी जोश आ रहा था। पत्थर भी काफ़ी था इस शहर में, ढलान में चला गया तो दिखना नामुमकिन। हवलदार दादा मूव क्विकली एंड केम फेस टू फेस विद द थर्ड टेररिस्ट एंड न्यूट्रलाइज्ड। मिलिटेंट के साथ जब फायरिंग होता है तो उसमें हमारा जान का खतरा है, गोली के सामने जाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा देर बाद वो पेट पकड़ के फिर खड़ा होना शुरू हो गया। जो हिम्मत है वो जुटाते हुए अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मेरी प्यारी रात 10:30 को फोन किया था। आप मैम साहब है, दादा का मैम साहब है तो बोला। हाँ मैम साहब आपको एक बात बताना है। तो क्या क्या हुआ दादा? ठीक है, मैं वही पूछा ना दादा। दिल रोती है उसके बारे में तो डिफिनेशन देने से कम है, स्याही खत्म हो जाएगा। One beautiful thing he told me, Father, even if I am asked to give my life, I am ready for that. अभी तो दादा तो है ही नहीं, मैं इनका फिल्म निकले हमेशा पटना करते रहूँगा। अभी तक जब से दादा गया वो है कहीं ना कहीं, वो है वही सोचता हूँ।
क्या बनने का आप बड़ा होके बेटा? आर्मी ऑफिसर। ऐसा है क्या आर्मी लोग इतना अच्छा है? दादा जाने के बाद तो बहुत लोग चाहता है अभी आर्मी में जाने के लिए। हवलदार हंगपन दादा वाज नो ऑर्डिनरी सोल्जर, ही वाज एक्सेप्शनल। We are standing at approximately 12,000 feet and what you see in front of you is the Shamshabadi ranges. This patch of ice is the area through which the four hardcore terrorists came on that fateful day of 25th of May and 26th of May in the morning. बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है पर हमको उसका राशन मिलता है। दिस सॉन्ग इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन द जापानीज हैड लेड अ सीज अराउंड वन ऑफ द कंपनी पोजीशंस नियर कोहिमा। दो द कंपनी वाज अंडर सीज दे वर एबल टू सर्वाइव एज द क्वार्टरमास्टर कंटिन्यूड टू इंडेंट फॉर रेशंस इवन फॉर सोल्जर्स हु हैड बीन मार्टर्ड इन द वॉर। बदलूरा का बदन जमीन का नीचे है तो हमें उसका राशन मिलता है। बदलूरा का बदन जमीन का नीचे है।